दूसरे प्रकरण के दूसरे सूत्र में राजा जनक कहते हैं, यथा प्रकाश यम्येको देह मेनो तथा जगत, अतो मम जगत सर्वम अथवा नाचा किंचन। कह रहे हैं, जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, उसी प्रकार इस विश्व को भी मैं ही प्रकाशित करता हूं। या तो ये पूरा जगत मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं जनक, कि मैं ही हूं जो इस शरीर को भी प्रकाशित कर रहा हूं, और मैं ही हूं जो इस समस्त विश्व को प्रकाशित कर रहा है। मैं ही ये समस्त विश्व हूं और मैं ही कुछ नहीं। मैं ही पूर्ण, मैं ही शून्य। या तो समस्त जगत में ही हूं या मैं कुछ नहीं हूं। दो ही तरीके हैं कहने के, जानने के। या तो जान लो कि समस्त जो कुछ भी है, जो अस्तित्व है, तुम उससे अलग नहीं हो। ये जो मैं की दीवार आपने खड़ी कर रखी है, मैं और मैं के साथ जो पहचानें जोड़ रखी हैं, ये जो दीवार है इसे गिरा दो और अस्तित्व के साथ एक हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। यह जान लो कि जो कुछ भी है आप वो नहीं है, आप कुछ नहीं है। तो अष्टवक्र इस द्वैत को हटा रहे हैं, उसी को जनक बोल रहे हैं, उद्घोष कर रहे हैं, उसी का उद्घोष कर रहे हैं। हम दो ही तरीके से तो देखते हैं, हम कहते हैं एक मैं हूं और एक संसार है। लेकिन जिस संसार को आप स्वयं से अलग बता रहे हैं, क्या सचमुच जो आप स्वयं को मानते हैं और जो ये संसार है, क्या सचमुच दोनों में कोई अंतर है? इस शरीर के कारण ही तो आप स्वयं को और संसार को अलग मानते हैं, ठीक। पर क्या शरीर में और संसार में कोई भेद है? अगर भेद है तो मृत्यु के पश्चात शरीर अलग क्यों नहीं रहता? क्यों सारे तत्व उन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं जिनसे वो उठा था? जिन पंचभूतों से ये शरीर बना है, उन्हीं पंचभूतों से संसार की बाकी समस्त चीजें हैं, जिनको आप देखते हैं, जिनको आप अनुभव करते हैं। जैसे समस्त संसार में घटनाएं घट रही हैं, वैसे शरीर में घटनाएं घट रही हैं। जैसे इस विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं, वैसे ही शरीर के साथ जो घट रहा है उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं। न जन्म आपने लिया, न मृत्यु आप अपनी मर्जी से ले पाते हैं। शरीर का रंग, रूप, आकार, प्रकार, उसमें बीमारी वो कैसा होगा, कुछ भी तो आप तय नहीं करते। हर क्षण शरीर बदल रहा है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं। ना भूख पर आपका नियंत्रण, ना प्यास पर आपका नियंत्रण। तो प्रकृति में तो घटनाएं घट रही हैं, सब कुछ नियम से चल रहा है। तो यदि आप शरीर ही हैं तो समस्त विश्व में और आप में कोई अंतर है नहीं, तो दो की फिर बात ही नहीं, आप ही विश्व हैं। बस इस शरीर के कारण आप स्वयं को विश्व से अलग समझते हैं। शरीर है, शरीर के साथ कुछ पहचाने हैं, उन पहचानों के साथ आपने तादात्म्य कर लिया है, इसीलिए आपको विश्व अलग जान पड़ रहा है और आप अलग जान पड़ रहे हैं। और राजा जनक कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं ही इस शरीर को प्रकाशित कर रहा हूं, उसी प्रकार इस विश्व को भी। कौन प्रकाशित कर रहा है इस शरीर को और इस विश्व को? वह जो इन सब के पीछे बैठी एकमात्र चेतना है, वह जो इन सब का साक्षी है, वही विश्व को भी प्रकाशित कर रहा है और शरीर को भी। आप शरीर के और विश्व के साक्षी हैं। जब आंख खुलती है तभी तो आप इस शरीर को भी देखते हैं और इस विश्व को भी देखते हैं। अर्थात तुमसे ही तो शुरुआत होती है,
आपसे शुरुआत होती है, आप ही स्रोत हैं। शरीर, इसकी इंद्रियां बस माध्यम बनती हैं संसार का साक्षी होने का, किंतु जब आप शरीर के साथ तादाद में कर लेते हैं तो शरीर और संसार को अलग अलग मानने लगते हैं, जैसे लहर स्वयं को समुद्र से अलग मानने लगे। पर लहर समुद्र से अलग होती नहीं, तो अब या तो पूरा सागर ही में हूं या मैं कुछ नहीं, क्योंकि जिसका मैं साक्षी हूं वह तो मैं नहीं हूं ना। अगर मैं सामने किसी वस्तु को देख रहा हूं तो वह वस्तु नहीं है, तो जिस तरह मैं इस समस्त विश्व को देखता हूं उसी तरह मैं शरीर को भी देखता हूं, तो ना तो विश्व में हूं ना इस शरीर में हूं, क्योंकि मैं तो इन दोनों का साक्षी हूं और देख रहा हूं कि दोनों दो है ही नहीं, दोनों एक ही है। जैसे विश्व है मेरे लिए, जैसे एक पेड़ है, जैसे एक मकान है, जैसे एक जानवर है, जैसे एक पक्षी है, वैसे ही एक ये शरीर है जिसे मनुष्य कहते हैं हम, तो मैं तो इन दोनों का साक्षी हूं, तो ये सब तो मैं नहीं हूं। तो या तो मैं कहूं कि मैं कुछ नहीं हूं, या फिर मैं कहूं कि इन सब का स्रोत मैं हूं, मुझसे ही यह सब प्रकाशित हैं, तो सब कुछ मैं ही हूं। इसी को आप कह सकते हैं कि आप ही संसार हैं, क्योंकि संसार क्या है वह आप पर निर्भर करता है। आप क्या हैं, कितनी आसानी से संसार आपके लिए बदल जाता है। अगर जीवन में गम छाया हुआ है, दुख दर्द है, पीड़ा है, तो व्यक्ति के लिए संसार बिल्कुल अलग चीज हो जाती है। उसी व्यक्ति के जीवन में जब खुशियां होती हैं, सुख होता है, सफलताएं होती हैं, वो आगे बढ़ रहा होता है, तब उसी व्यक्ति के लिए ये संसार एक अलग चीज हो जाती है। आप बीमार होते हैं तो मौसम चाहे कैसा भी हो, आपके लिए उसका अर्थ बदल जाता है। और जब आप स्वस्थ होते हैं, मस्त होते हैं, तब वही मौसम आपके लिए कुछ और हो जाता है। तो ये सब आपसे ही तो प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए जनक आगे कहते हैं कि या तो ये समस्त संसार मेरा है या मेरा कुछ भी नहीं। यदि संसार पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं, संसार में जो घट रहा है सब प्राकृतिक नियमों के अनुसार घट रहा है, तो जो मैं अपने आप को मानता हूं कि मैं शरीर हूं, देह हूं, तो इस देह में भी तो जो कुछ घटता है वो प्राकृतिक नियमों के अनुसार ही घटता है। ना संसार पर मेरा नियंत्रण, ना इस देह पर मेरा नियंत्रण, तो इसका अर्थ हुआ कि मेरा कुछ नहीं। और यदि मैं कहूं कि यह देह मेरी है, तो फिर ये सारा संसार भी मेरा है, कुछ भी पराया नहीं, कुछ भी दूसरा नहीं। क्योंकि जिस देह को मैं अपना कह रहा हूं वो उठी कहां से है, वही पंचभूतों से, अग्नि, आकाश, वायु, मिट्टी, जल, और उन्हीं से बाकी सब चीजें बनी हैं, तो उनमें और मुझ में कोई अंतर नहीं हुआ। तो वास्तव में यहां पर राजा जनक का वो भेद मिट गया है जिसमें वो स्वयं को जगत से अलग मानते थे। वो स्वयं को मैं के वशीभूत होकर, अहम के वशीभूत होकर संसार से काटे हुए थे। अब वो देख पा रहे हैं कि जिसे मैं जगत से अलग समझ रहा था वास्तव में वे अलग है ही नहीं। इस तरह वो द्वैत को खत्म कर रहे हैं, अपूर्ण से पूर्ण हो रहे हैं। अहम अपूर्ण होता है, और जब अहम नहीं होता तब वह पूर्ण होता है। अहम मैं वैसे ही है जैसे आप एक समुद्र में पानी से भरा हुआ घड़ा डालें, तो समुद्र वो जो घड़ा है उसके अंदर भी जल है, उसके बाहर भी जल है, लेकिन बीच में घड़े की एक परत है। ये जो हमारा मैं है, अहंकार, इसकी जो पहचान है, ये उस घड़े की परत की तरह है जो हमें संसार से, अस्तित्व से अलग कर देती है, काट देती है। उसी के कारण
द्वैत खड़ा होता है, जहां द्वैत है वहां द्वंद्व होगा, जहां द्वैत है वहां सीमा होगी, सीमाएं हैं तो द्वंद्व होगा, युद्ध होगा, झगड़े होंगे, ईर्ष्या होगी, भय होगा, और जो सीमित है वो सत्य नहीं होता, फिर वो मिटता है तो मिटने का भय होगा। सारी समस्याएं द्वैत से खड़ी होती हैं। जब आप ये देख पाते हैं कि दो है ही नहीं, तब वे सारी समस्याएं विलीन हो जाती हैं, फिर आप साक्षी रहते हैं। और साक्षी हो जाने का अर्थ ये नहीं कि आप एक जगह बैठ गए और बैठे बैठे कुछ देख रहे हैं। साक्षी माने प्रकृति में घटनाएं घटेंगी, अब आप उन घटनाओं को घटने में किसी तरह की बाधा खड़ी नहीं करेंगे, आप अपने मैं को बीच में नहीं आएंगे, मैं को बीच में नहीं लाएंगे, और फिर जो हो रहा होगा वो होगा। जैसे कबीर साहब कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। मन का आपा खो जाता है तब वाणी जो भी होती है वो औरन को शीतल करने वाली ही होती है। तो जब आप ये जान लेते हैं, ये समझ पाते हैं, ये देख पाते हैं कि आप और समस्त विश्व एक ही हैं, तब द्वैत नहीं रहता, मैं और संसार का द्वैत नहीं रहता, शरीर बीच में नहीं आता। फिर आप देख पाते हैं कि शरीर और संसार एक ही है और आप इनके साक्षी हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।